के आजादी जम्हूर के मतवालों ने हर सरे नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तहरीक पाकिस्तान एक अवामी और जम्हूरी तहरीक थी जो बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के जम्हूरी हकूक़ के लिए चली और कामयाब हुई। कुछ फ़ौजी जर्नैलों, ख़ास तौर पर जनरल ज़िया और उसके सियासी हवारियों ने अवाम में ये तासुर देने की कोशिश की कि तहरीक पाकिस्तान दरअसल एक इंतहा पसंद मजहबी रियासत की तहरीक थी और इसी जवाज़ में उन्होंने जम्हूरियत का गला घोंटने की कोशिश की। तहरीक पाकिस्तान दरअसल हिंदू इंतहा पसंदों की मजहबी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ एक रद्द अमल था जम्हूरियत और इंसाफ के लिए, ना कि मुसलमानों की इंतहा पसंद रियासत के हसूल की यह तहरीक थी। और आप खुद ही सोचिए कि अगर ऐसा होता तो कायद आज़म जैसा लिबरल और रोशन ख्याल शख्स पाकिस्तान की तहरीक का कायद ना होता तो फिर इस तहरीक की क़यादत कोई मजहबी रहनुमा कर रहा होता। कायद आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे, उनकी बेशुमार तकारीर में ये बात वाजी होती है। ख़ास तौर पर उनकी एक तकरीर जो उन्होंने आइन साज असम्बली के 11 अगस्त 1947 को ख़ताब करते हुए कही थी, वो पाकिस्तान के रियासत के खद्दो खाल के बारे में उनकी बेहतरीन तकरीर थी, जिससे ये साबित होता है कि वो पाकिस्तान जो चाहते थे कायदे आज़म, वो कैसा पाकिस्तान था। आपने फरमाया, अब आप आज़ाद हैं, इस मुमलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं या किसी और इबादत गाह में, आपका किसी मजहब, ज़ात पात या अकीदे से ताल्लुक हो, कारोबार मुमलकत का इससे कोई वास्ता नहीं। मैं समझता हूँ कि इस बात को हमें एक नस्बुल ऐन के तौर पर अपने पेश नज़र रखना चाहिए और फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, ना हिंदू हिंदू रहेगा न मुसलमान मुसलमान, मजहबी एतबार से नहीं क्योंकि ये ज़ाती अकायद का मामला है, बल्कि सियासी एतबार से और मुमलकत के शहरी की हैसियत से। कायद आज़म के तसव्वुर पाकिस्तान के बारे में जस्टिस मुनीर ने अपनी किताब जनाह से ज़ियाद तक में यूं लिखा है, 11 अगस्त 1947 को कानून साज असम्बली से ख़िताब करते हुए कायद आज़म ने जिस पाकिस्तान की तस्वीर पेश की थी, उसे सेकुलर रियासत के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। बात यह है जी कि कायदे आज़म ने अपने तसव्वुर पाकिस्तान की वजाहत बहुत सी तकारीर में और बहुत से जलसा आम में और बहुत से फंक्शंस में की, इसलिए उसको सिर्फ एक तकरीर तक या एक बात तक महदूद नहीं रखा जा सकता। पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि कायदे आज़म की ज़बान से कभी सेकुलर्स का लफ्ज़ तो निकला नहीं, अलबत्ता उन्होंने थियोक्रेसी यानी मजहबी रियासत की तरदीद या उसको बार बार ये कहा कि पाकिस्तान थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगी, क्योंकि इस्लाम में थियोक्रेसी और थियोक्रेटिक स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। पाकिस्तान का तसव्वुर पाकिस्तान, कायदे आज़म का तसव्वुर पाकिस्तान एक मॉडर्न जम्हूरी और इस्लामी रियासत था। कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 की दस्तूर साज असम्बली में जो तकरीर है, उसके तासीसी इजलास में, उस तकरीर में कायदे आज़म ने पाकिस्तान के बनने वाले कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान की रियासत का एक विज़न पेश किया था और बहुत वाज़े अल्फाज में उन्होंने जो विज़न दिया था उसके मुताबिक पाकिस्तान एक तरक्की पसंद जम्हूरी और जदीद दुनिया की रियासत होने जा रहा था, जिसमें उन्होंने बहुत वाज़े अल्फाज में ये कहा था कि पाकिस्तान की सियासत में मज़हब का कोई अमल दखल नहीं होगा। तो ये जो तसव्वुर है,
ये एक सेकुलर जमहूरी जदीद तरक्की पसंद रियासत का तस्वूर है। सेकुलरिज्म का तर्जमा ला दीन करना या बेदीन करना ये दुरुस्त नहीं है। सही मैंने सेकुलरिज्म के यही हैं कि मजहब की बुनियाद पर इंसान इंसान में तफरीक न की जाए। सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट दो हैं, अगर आप इसको मजहबी मानों में समझेंगे तो इसका मतलब इल्हाद है, लेकिन अगर आप इसको सियासी मानों में समझें और ख़ास तौर पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट को जहन में रखें तो इसका मतलब यह है कि स्टेट और चर्च अलग अलग हैं, यानी मजहब का रियासत से या हुकूमती मामला से कोई ताल्लुक नहीं। ये एक कॉन्सेप्ट टिपिकल क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये मुसलमानों का कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि मुसलमानों के लिए इस्लाम मुकम्मल ज़ाबता हयात है और इस ज़ाबता हयात में सियासत भी शामिल है और मुसलमानों के लिए सियासत इस्लामी असूलों के ताबे है। सेकुलर का मतलब दरअसल ये है कि जब आप मज़हब की बुनियाद पे किसी को प्रिविलेजेस ना दें और मज़हब की बुनियाद पे किसी की प्रोसिक्यूशन ना करें, मज़हबी तासुब ना रखें आप, ना मनफी अंदाज से और ना मस्बत अंदाज से, तो उसको हम सेकुलर कहते हैं। क़याम-ए- पाकिस्तान के बाद नई मुमलिकत के सामने बेशुमार मसाइल थी, लेकिन उन पर काबू पाने के लिए कोई वसाइल न थे। कायदे आज़म के सामने मसाइल का अंबार था, उनमें सबसे बड़ा मसला महाजरीन की आबादकारी का था, जो लाखों की तादाद में लूटे पुटे काफलों के साथ इस नए आज़ाद वतन में आ रहे थे। वो आग और खून के समंदर से गुजरकर सरजमीन पाक पर पहुंचे। हर एक के साथ रूह फरसा वाकयात की दर्दनाक कहानियां थी। इसी दौरान हिंदुस्तान ने कश्मीर में अपनी फौजें उतार दी। खराब माशी सूरत हाल, महाजरीन की आबादकारी और दस्तूरी मसाइल जैसे दीगर अनगिनत मसलों ने कायद आज़म की सेहत पर बहुत बुरे असर डाले। चुनाचे आप 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए और पूरी कौम को सोगवार कर गए। कायदे आज़म की वफात के बाद उनकी जगह मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर जनरल बन गए, जबकि लियाकत अली ख़ान वज़ीर आज़म थे। कायदे आज़म के बाद लियाकत अली ख़ान मुस्लिम लीग के सबसे अहम लीडर थे। इस दौर में सूबाई तसुबात का आगाज़ हुआ और बंगालियों की तरफ से सूबाई ख़ुद मुख्तारी का मुतालबा किया जाने लगा। बंगालियों ने उर्दू ज़ुबान को कौमी ज़ुबान करार देने के खिलाफ अपना एहतजाज शुरू कर दिया। राष्ट्रभाषा बांग्ला चाहिए, राष्ट्रभाषा बांग्ला चाहिए। अगरचे लियाकत अली ख़ान बहुत पॉपुलर वज़ीर आज़म थे, लेकिन उनके दौर में भी पाकिस्तान का आईना बन सका, जबकि हमारे साथ आज़ाद होने वाले हिंदुस्तान ने 1949 में अपना आईन तैयार कर लिया था और शायद यही वो फ़र्क था जो आगे चलकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के तायन करने का बाइस बना। लियाकत अली ख़ान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। इस अंधे कत्ल का सुराग आज तक नहीं मिल सका। लियाकत अली ख़ान के दौर में आईन के बुनियादी मकासद के बारे में मंजूर होने वाली करारदाद मकासद ने भी पूरे मुल्क में बहस व मुबाहसे के नए दरवाजे खोल दिए। जस्टिस मुनीर अपनी किताब जनाह से ज़्यादा तक में लिखते हैं, कायद आज़म 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए और सिर्फ 6 माह बाद कायद के नज़रिया पाकिस्तान की नफ़ी करते हुए वज़ीर आज़म खान लियाकत अली ख़ान ने कानून साज असम्बली में करारदाद मकासद पेश की। करारदाद मकासद के पास होने के बाद दस्तूर साज असम्बली में तकरीर करते हुए उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब लियाकत अली ख़ान ने यह बात वाज़ह तौर पर कही थी कि ये कायदे आज़म के नज़रियात और तसव्वुर के मुताबिक है। करारदाद की बुनियादी बात यह थी कि ये कहा गया था कि पाकिस्तान में सॉवरेंटी जो है हाकमियत आला वो अल्लाह ताला के पास होगी और उसमें कोई कानून सुन्नत और कुरान के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा
और जो मजहबी अकलियतें हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनको मुकम्मल एहसास दिलाया जाएगा तहफ़्फ़ुज़ का। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिससे एक मजहबी रियासत की बू आती है। पहली बात तो ये है कि हाकमियत आला एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला खुद उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, हाकमियत आला को हमेशा उसकी तख्लीक किए हुए इंसान ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप अक़लियत का ज़िक्र करके ये कहते हैं कि अक़लियतों को हम मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे, ये कहना बुनियादी तौर पे जमहूरियत के तसव्वुर के ख़िलाफ़ है। जमहूरियत में किसी भी आबादी में अक़लियतें नहीं हुआ करती, जमहूरियत में सब आबादी जो है वो मसावी होती है, बराबर होती है। अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो है ये जमहूरियत की नफ़ी करता है। और तीसरी बात ये है कि जिन्होंने ये कहा था, जो फाउंडर समझे जाते हैं जायज़ तौर पे इस मुल्क के, कि पाकिस्तान की सियासत में मज़हब का कोई अमल दखल नहीं होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि इस करारदाद के ज़रिए से पाकिस्तान में मज़हब के अमल दखल की सियासत में बुनियाद रख दी गई थी, जिसका खमियाजा आज हमारे अवाम और हमारी रियासत भुगत रही है, जिसके नतायज बहुत ख़तरनाक निकले हैं पाकिस्तान की सियासत। लियाकत अली ख़ान की शहादत जो आज भी असरार में लिपटी हुई है, उसके बारे में बजा तौर पर ये कहा जाता है कि ये उन मुल्क दुश्मनों की साजिश थी जो कायद आज़म के जमहूरी पाकिस्तान को आमरियत के हवाले करना चाहते थे, क्योंकि उसके नतीजे में एक ऐसा शख्स जो मुंतखब नुमाइंदा नहीं था और ना ही सियासी पस मंज़र रखता था, मुल्क का गवर्नर जनरल बन गया, जिसने आते ही महलाती साजिशों का जाल फैला दिया। गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल के ओहदे के लिए किसी भी लिहाज से मौजू न था। आखिरी वक्त में तो वो जिस्मानी और जहनी दोनों लिहाज से माजूर हो चुका था, लेकिन गैर जमहूरी क़ुवतें उसे अपने आलाए कार के तौर पर इस्तेमाल करती रहीं। उस वक्त तक जनरल अय्यूब खान, जो पाकिस्तान आर्मी का पहला मुसलमान आर्मी चीफ था, पूरी तरह पसे पर्दा सियासी सरगर्मियों और महलाती साजिशों में मुलव्वस हो चुका था। जनरल अय्यूब खान ने बार बार अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी करवाई, दर हकीकत माजूर गुलाम मोहम्मद के पीछे उनका साजिशी ज़हन काम कर रहा था, जो जमहूरी निज़ाम को नाकाम बनाने के दरपे था। ये हकीकत है कि उस वक्त के सियासतदानों का रवैया जमहूरी असूलों से मुताबकत नहीं रखता था, लेकिन ये एक नहायत फितरी बात थी कि पाकिस्तान में पहली मरतबा जमहूरियत का तजर्बा हो रहा था और तमाम सियासतदानों के लिए ये एक नया अमल था। लेकिन जनरल अय्यूब खान की सरबराही में गैर जमहूरी कुव्वतों ने सियासतदानों को आवाम में गैर मकबूल बनाने के लिए दर पर्दा साजिशों का जाल इस तरह फैलाया कि आवाम मुकम्मल तौर पर उनसे मुतनफ़र हो गए। और जब जनरल अय्यूब ने जमहूरियत की रही सही बसात लपेट दी, तो आवाम की तरफ से मज़ाहमत की बजाय उसे खुशामदीद कहा गया। लेकिन आमरियत का यही इस्तकबाल कौम का सवाल साबित। गुलाम मोहम्मद ने 17 अप्रैल 1953 को मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कायदे आज़म के करीबी साथी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत का तख्ता उलटकर पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उलटने की स्याह रिवायत का आगाज कर दिया, जो आज तक जारी है। ख्वाजा साहब की बरतरफी का मशरकी पाकिस्तान में बहुत मनफी रद्द अमल हुआ और वो मगरबी हिस्से से और दूर हो गए। एक गैर मुंतखब गवर्नर जनरल ने एक गैर मुंतखब शख्स मोहम्मद अली बोगरा को ख्वाजा साहब की जगह वजारत उज़्मा पर फाइज कर दिया। यूं इक्तदार पर सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर हो गई। इससे पहले मार्च 1953 को लाहौर में एंटी कादियानी तहरीक के दौरान पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ नाफिज हुआ, जिसका बाइस उस वक्त के मजहबी सियासी जमातें थीं। गोया 53 का महदूद मार्शल लॉ 58 के लामहदूद मार्शल लॉ का ट्रेलर था।
गुलाम मोहम्मद को जो अब सिविलियन डिक्टेटर का रूप धार चुका था, दस्तूर साज असेंबली से खतरा लाहक हो गया जो उसके बढ़ते हुए इख्तियारात पर रोक लगाना चाहती थी। लेकिन गुलाम मोहम्मद ने 1954 में उस असेंबली को ही चलता किया। गोया गुलाम मोहम्मद फौजी आमरियत का वो सिविलियन रूप था जिसने मुंतखब वजीर आजम के बाद मुंतखब असेंबली को भी फारग कर दिया। स्पीकर असेंबली मौलवी तमीजुद्दीन ने इस फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जिसने गुलाम मोहम्मद के इस अकदाम को गैर आइनी करार दे दिया, जिसे हुकूमत ने बाद अजा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जहां जस्टिस मुनीर ने इस गैर आइनी इकदाम को नजरिया जरूरत के तहत जायज करार देकर जम्हूरियत दुश्मन तबकों में पाकिस्तान की आला अदलिया को भी मुलव्वस कर लिया और उसके हाथ में नजरिया जरूरत की एक ऐसी तलवार दे दी जिससे वो अगली निसफ सदी तक जम्हूरियत और जम्हूरियत पसंदों के गले काटती रही। गुलाम मोहम्मद ने जो भी तरीक़ेकार इख्तियार किया बहसियत गवर्नर जनरल, इसके बाद उन्होंने कह लीजिए लेजिस्लेटिव असम्बली जो थी, कानून साज असम्बली जो थी, उसकी तहलील कर दी। और इसके बाद फिर जिस वक्त सिकंदर मिर्ज़ा की बारी आई, पहले तो इसको हटाना बड़ा मुश्किल था गुलाम मोहम्मद को, चूँकि ये दिमागी मरीज थे, ये इनको बड़ी मुश्किल से हटाया गया गवर्नर जनरल के अहदे से। और फिर ये सिकंदर मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ ले आए। उसी ज़माने में पाकिस्तान का जो 1956 का आइन है वो तरतीब दिया गया चौधरी मोहम्मद अली ने बहसियत वज़ीर आज़म के, और ये भी कह लीजिए ब्यूरोक्रेट थे। उनको सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने सदर का हलफ लिया और फिर उसी कानून को उन्होंने एब्रोगेट कर दिया। और इसके बाद आप जिससे आपके सामने ये तारीख है, फौज आ गई, जनरल अयूब खान तशरीफ़ ले आए। तो अपेरेंटली इससे तो यही जाहिर होता है कि ये जो कुछ भी हुआ सियासी क़यादत की, मुस्लिम लीगी सियासी क़यादत के खिलाफ के सबाब यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स आए, तो ब्यूरोक्रेट्स को लाना मेरा अपना ख्याल तो यही है कि इसमें एक एतबार से फौज ही का हाथ था। ये मिलिट्री टॉप ब्रास थी जिन्होंने महसूस किया कि किसी न किसी तरीके से इख्तदार जो है उस पर कब्जा किया जाए। गुलाम मोहम्मद ने असेंबली की तहलील के बाद जो नई काबीना बनाई उसमें पसे पर्दा साजिशों का सुरखेल जनरल अयूब खान पहली मरतबा मंजरेआम पर आया और कमांडर इन चीफ के साथ साथ वजीर दिफा भी बन गया। अब तमाम जमहूरियत दुश्मन गैर मुंतखब और गैर सियासी अफराद कायदे आजम के जमहूरी पाकिस्तान पर काबिज हो चुके थे, यानी गुलाम मोहम्मद कमांडर जनरल, सिकंदर मिर्जा वजीर दाखला और जनरल अयूब वजीर दिफा इस जमहूरियत दुश्मन तिकोन को चीफ जस्टिस मुनीर की मुकम्मल पुश्त पनाही हासिल थी, जिसके बारे में मशहूर तारीख दान एलन मैक्रा ने कहा था। गुलाम मोहम्मद और सिकंदर मिर्जा जैसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की तरह जस्टिस मुनीर में भी मुतलकुल अनानी पाई जाती थी जो उन्होंने नौबादियती दौर में सीखी थी। इसी सोच ने गुलाम मोहम्मद के 1954 में आइन साज असम्बली की बरतरफी और फिर अयूब खान के 1958 के फौजी इकदाम को कानूनी जवाब मुहैया किया। इन तीनों जमहूरियत दुश्मन अफराद ने पहले जमहूरियत के खिलाफ और बाद में एक दूसरे के खिलाफ साजिशों का घिनौना खेल जारी रखा। आमरों के हाथों पहले मुस्लिम लीग तबाह हुई और फिर पाकिस्तान। 1954 के सूबाई इंतखाबात में मशरकी पाकिस्तान में 309 मेंबरों की असेंबली में मुस्लिम लीग सिर्फ 9 नशिस्तें जीत सकी। अब ये मुस्लिम लीग कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग नहीं रही थी जिसने पाकिस्तान बनाया था। अब ये आमरों की बांदी मुस्लिम लीग थी जिसने बाद में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। गुलाम मोहम्मद को सिकंदर मिर्जा ने जबरदस्ती मुस्ताफी होने पर मजबूर कर दिया और खुद गवर्नर जनरल बन गया। उसने गुलाम मोहम्मद के ब्यूरोक्रेट वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा को हटाकर अपने ब्यूरोक्रेट साथी चौधरी मोहम्मद अली को वजीर आजम बना दिया। चौधरी मोहम्मद अली के दौर में 1956 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ जिसकी रूह से पार्लिमानी निज़ाम
कायम किया गया। मुमलिकत का सरबराह अब सदर कहलाने लगा। सिकंदर मिर्जा इस आयन के तहत पाकिस्तान का सदर बन गया। सिकंदर मिर्जा तो ज्यादा इख्तियारात का ख्वाहिशमंद था, लेकिन 56 के आयन ने उसके गवर्नर जनरल के इख्तियारात को भी कम कर दिया। मगरबी पाकिस्तान का गवर्नर मुश्ताक गुरमानी साजिशों में सिकंदर मिर्जा का दस्ते रास्त था। उन्होंने डॉक्टर खान साहब के साथ मिलकर रिपब्लिकन पार्टी बनाई, जिसमें रातों रात तमाम मुस्लिम लीगी अरकान असेंबली शामिल हो गए। इनकी साजिशों से तंग आकर चौधरी मोहम्मद अली ने वजारत उज़्मा से खुद ही इस्तीफा दे दिया। फिर सिकंदर मिर्जा ने हुसैन शहीद सोहरावर्दी को वजीर आजम बना दिया। फिर एक साल के बाद उसे भी बरतरफ कर दिया। 3 माह के लिए आई चंद्रीगढ़ भी वजीर आजम रहे। दिसंबर 1957 में फिरोज खानून पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए, जिसे मुख्तलिफ सियासी जमातों की हमायत हासिल थी। सिकंदर मिर्जा को इस इत्तेहाद से खासी परेशानी थी, क्योंकि आइंदा इंतखाबात के बाद सोहरावर्दी वजीर आजम और फिरोज खानून सदर बनने के ख्वाब देख रहे थे। मशरकी पाकिस्तान में भी इक्तदार की रस्साकशी खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी थी। बरसर इक्तदार अवामी लीग ने स्पीकर को पागल करार दे दिया। मेंबरान पार्लियामेंट ने डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई। गैर जमहूरी कुवतों ने हर तरफ अफरा तफरी और इंतशार का माहौल पैदा कर दिया था। सिकंदर मिर्जा के ख्याल में इंतखाबात के बाद सोहरावर्दी और फिरोज खानून उसकी जगह लेने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि एक और शख्स भी वही ख्वाब देख रहा था, जो बज़ाहर उसका दस्ते रास्त और दोस्त था, यानी वजीर दिफा जनरल अयूब खान। सिकंदर मिर्जा ने अयूब खान के साथ मिलकर 8 अक्टूबर 1958 को आईने पाकिस्तान को मनसूख करके मुल्क में मार्शल ला नाफिज कर दिया। 20 दिन के बाद ही इस ड्रामे का असल खालिक सामने आ गया। जिस तरह सिकंदर मिर्जा ने गुलाम मोहम्मद को रुस्वा करके इक्तदार से निकाल बाहर किया था, उसी तरह का सलूक अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा के साथ किया। 27 अक्टूबर 1958 की रात 10 बजे के करीब हैरत ज़दा सिकंदर मिर्जा को शब ख्वाबी के लिबास में एक फौजी वफ्द से मिलना पड़ा। ये वफ्द जनरल बरकी, जनरल आजम और जनरल खालिद शेख पर मुश्तमिल था। उन्होंने सदर को बताया कि मुल्क के बेहतरीन मफाद में आपको पाकिस्तान छोड़ना होगा। ब्रिज का शौकीन और साजिशों का माहिर सदर अपनी आखिरी बाजी हार गया। 8 अक्टूबर की रात मार्शल ला के निफाज के मौके पर कौम से खिताब करते हुए सिकंदर मिर्जा ने कहा था, जहां तक गद्दारों का ताल्लुक है, बेहतर होगा कि मौका पाएं तो मुल्क से भाग जाएं। हालात की सितमजरीफी देखिए कि सिर्फ 20 दिन के बाद सिकंदर मिर्जा को खुद ही पाकिस्तान से भागना पड़ा। एक गैर मुंतखब साजिशी सिविलियन डिक्टेटर तो अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन जर्नैलों की आमरियत की काली रात शुरू हो गई, जिसने इस सरजमीन की हर रोशनी को निगल लिया और कायद आजम के जमहूरी पाकिस्तान को जिंदा इंसानों का कब्रिस्तान। सरे दा